मिल गया मिल गया मिल गया, कुछ तो मिला है भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पर कम से कम 10-20 हजार गोल्ड तो होगा और 10-20 लाख डायमंड तो होंगे ही भाई। माइनक्राफ्ट के इस विलेज के अंदर में मुझे मिला पानी के अंदर में सांस लेने वाला ब्रेथ पोशन। एक मिनट, ये मैंने क्या बोल दिया? अंडर वाटर ब्रेथ पोशन, हाँ ये सही था। बट एक और चीज, जैसे ही मैं पानी के अंदर जाता हूँ मुझे वहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो माइनक्राफ्ट में बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। क्या वो कोई मॉन्स्टर है या कोई बहुत बड़ा खजाना? तो आओ चलो चलते हैं पानी के अंदर और इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ भाई गेम के अंदर में। बट अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, इस विलेज के अंदर में हमें वो पोशन ढूंढने पड़ेंगे जो यहाँ पर कहीं पर ही छुपे हुए होंगे। बट ठीक है यार, सबसे पहले यहाँ पर एक रिस्पॉन पॉइंट सेट करता हूँ। और एक मिनट भाई, क्या लूट है, कम से कम 2 एमराल्ड मिले। मैं नेदरराइट क्यों बोल रहा था, बट ठीक है चलो ठीक है, आगे की साइड में चलते हैं। और वेट, इस जगह पर चेक करते हैं और यहाँ पर भी एक चेस्ट है, बट इसके अंदर क्या हो सकता है। और फाइनली मेरे को यहाँ पर से वाटर ब्रेथ पोशन मिल चुका है और ये कम से कम मैं 8 मिनट तक भाई एक पोशन पी के सांस ले सकता हूँ पानी के अंदर। ओके, तो चलो चलते हैं सोने के लिए। हट बैठ, यहाँ से निकल, पहली फुर्सत से निकल, मैं सोऊंगा भाई, मेरा बेड है ये। मैंने विलेज बनाया, मतलब ऐसी बात थोड़ी ना है, मतलब तुमने ही बनाया, बट ठीक है मैंने अपना कब्जा जमा लिया। निकल फुर्सत से। सो गाइज, यहाँ से अपना सारा का सारा काम हो चुका है, मेरे पास आ चुका है वाटर ब्रेथ पोशन। अब चलो चलते हैं पानी के अंदर में और पानी के अंदर में जाके देखते हैं कि यार ये जो वाटर ब्रेथ पोशन है ना ये कैसा काम करता है। पानी के अंदर सांस ले भी पाऊंगा? वेट, पीछे कौन है? एक मिनट, ये पीछे पीछे क्यों देख रहा है? हेलो, क्या हाल है तेरे? निकल पहली फुर्सत से, क्यों घूर रहा है? अबे घूर किसको रहा है, रुकना, निकल निकल। अबे मर जा, कोई है तो नहीं? चलो ठीक है, मैंने इसे मार तो दिया बट किसी ने देखा तो नहीं ना। चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं सबसे पहले पानी के अंदर में। अबे एक मिनट, पहले ये पी लेता हूँ, कभी सच में जाके मर जाऊँ। सो एक मिनट, मेरे पास जो एमरल्ड है ना, वेट, सामने देखो यार, यहाँ तो जाना बनता है। रुको, सबसे पहले इसे पीता हूँ और अपने एमरल्ड जो है ना यहीं पर ही आगे पीछे कहीं पर ही फेंक दूंगा, जिससे यार मैं कम से कम अपने एमरल्ड को बचा तो पाऊंगा अगर कोई मुझे मार देता है। सो चलो चलते हैं यहाँ पर। एक मिनट, मैं सबसे पहले देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ पर जाना है। और एक मिनट, पानी के अंदर मैं सांस लेके देखता हूँ। और एक मिनट भाई, मैं सांस ले पा रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से यार, मतलब मुझे कुछ हो भी नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना यहाँ से कुछ पोशन इधर रख देते हैं और इस गेट को बंद कर देते हैं कि अगर कोई मुझे मार दे तो मैं यहाँ पर वापसी आके अपना पोशन यूज कर सकता हूँ। सो पानी के अंदर आ चुके भाई, एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। और सबसे पहले तो मैं इस जगह पर जाऊँगा और यहाँ पर कुछ बढ़िया सा सामान मिल जाता है तो एक बार चेक करके देखते हैं क्या है इसके अंदर में। और एक मिनट भाई, पूरा का पूरा गोल्ड का सामान मिला है भाई, लिटरली। तो यहाँ से मेरे को इतना सारा गोल्ड मिल चुका है और गोल्डन सॉर्ड भी है, कुछ यहाँ पर से शॉयल भी है, तो भाई शॉयल भी ले लेता हूँ, बहुत काम की चीज़ है। ओके, तो भाई यहाँ से अपने को सारा सामान मिल चुका। वेट, मैं नीचे की साइड में क्यों जा रहा हूँ? अबे यार मैंने गलती से नीचे की साइड में आ गया। चलो ठीक है, मैं पूरा वेट वेट, मुझे कौन मार रहा है? अरे रुको रुको, कौन मार रहा है? दिख भी तो नहीं रहा। ओ एक मिनट, ये रहा, आ जा लड़ ले भाई। ये क्या बात हुई, मतलब तू क्या यूज़ कर रहा है और मैं सॉर्ड से लड़ रहा हूँ, मतलब ठीक है यार। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपना जो है एक स्पेल डाल दिया था भाई, इसे यहाँ से ले लेता हूँ। स्पेल बोल रहा हूँ, COC खेलने की आदत है ना असल में, तो इसलिए स्पेल बोल दिया। चलो ठीक है भाई, पोशन अपना यूज़ कर लिया। ज़रा यहाँ से जाके अपनी सारी की सारी लूट लेता हूँ। बस ये ड्रोनेट यहाँ पर ना, देखो कैसे कैसे इसने मेरे ऊपर भाई तीर वीर मारे हैं, क्या मारा इसने, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना इसे क्या कहते हैं, बहुत ही खतरनाक मारा था इसने। वहाँ से देखो भाई, मेरा सारा का सारा सामान मुझे नजर आ रहा है। ओके देखो, ये रहा मेरा सारा का सारा गोल्ड और मुझे एक पोशन भी मिल गया जो मेरा खो गया था। तो चलो ठीक है यार, मेरी यहाँ से स्वॉर्ड भी मिल गई, बट मेरे पास जो शोवेल थी ना भाई, वो शोवेल पता नहीं कहाँ चली गई है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि पानी के अंदर रहता क्या यार, मतलब इस पानी के अंदर में है क्या। तो अगर देखा जाए ये ब्लॉक, तो भाई ये ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और ये ब्लॉक मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं है और ये टूट भी नहीं रहे, सोचो कितने खतरनाक ब्लॉक हैं ये। ओके, तो भाई देखो येलो कलर के भी ब्लॉक हैं यहाँ पर और अलग अलग तरह के भाई फिशेस भी हैं और ये शायद कुछ लाइट है। ओके, तो मेरे को ये मिल चुकी है, इसे पिकल कहते हैं और भाई देखो ये एक तरह से लाइट का काम करती है और अगर हम 4 एक साथ लगा देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रोशनी बढ़ा देती है। देखो कितनी ज़्यादा रोशनी हो चुकी है। सो आगे की साइड में चलते हैं और देखते हैं कि यार यहाँ पर कौन कौन से मॉन्स्टर वगैरह मिल सकते हैं। बट अभी यहाँ पर डॉल्फिन वगैरह घूम रही है तो चलो ठीक है। और मैं वेट, मुझे लेफ्ट साइड में कुछ नज़र आया, देखो 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 वहाँ पर कुछ तो है। ओके चलो चलते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है? और शायद ये कोई टाइटेनिक है भाई, नहीं नहीं मैं थोड़ा फ्लो में चला गया हूँ।
तो यहाँ पर एक जो है भाई यहाँ पर शिप पड़ी हुई है जो पूरी तरह से टूट कर अंदर की साइड में गिरी हुई है। आई थिंक ये टाइटेनिक का सीन भाई यहाँ पर ऐड कर दिया भाई लिटरली। तो चलो ठीक है अंदर की साइड में चलते हैं। यहाँ पर एक रूम है और इस रूम के अंदर मुझे चेस्ट मिली है जिसके अंदर भाई स्मिथिंग टेम्पलेट मिला है। और अगर हम लोग देखें दूसरी जगह तो भाई देखो इसे तो मैं रख लेता हूँ और मुझे मिला एक क्लॉक, इसका मैं कुछ भी नहीं करूंगा। बट एक मिनट, यहाँ पर मुझे ट्रेजर मैप मिल चुका है लिटरली भाई ट्रेजर। तो चलो ठीक है भाई यहाँ से अपने को ट्रेजर मैप मिल चुका है और इसके अंदर एक क्रॉस भी है, यानी कि रुको यहाँ पर क्रॉस है तो भाई हमें मिलने वाला है एक ट्रेजर। तो सबसे पहले मैं इस ट्रेजर को ढूंढने जाऊंगा। तो मैं पानी के अंदर में सांस ले सकता हूँ ईजली, तो मैं यहीं से जाऊंगा। बट अगर किसी पानी के अंदर में ये ट्रेजर होता है तो भाई हम लोग चाहे उसे बहुत ही मुश्किल में माइन कर पाएंगे। बट ये जहाँ तक मुझे लग रहा है आसपास ही यहीं पर ही हूँ, बस मैं इसके थोड़ा सा पास हूँ। तो एक मिनट, ये सैंड वैंड के पास तो होना ही चाहिए। वेट, मैं बिल्कुल सही जगह पर आ चुका हूँ और शायद मुझे यहीं से ही माइन करना स्टार्ट करना है। तो ओके, तो यहाँ से माइन करना स्टार्ट करते हैं। कम से कम 4 से 2 ब्लॉक में नीचे तक जाता जाऊँगा, 4 ब्लॉक बिल्कुल नीचे तक जाएंगे, देखेंगे कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगा। तो मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये स्वॉर्ड बहुत ही वेट मिल गया मिल गया मिल गया, कुछ तो मिला है भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पर कम से कम 10-20 हज़ार गोल्ड तो होगा और 10-20 लाख डायमंड तो होंगे ही भाई। इसे चेक करके देखते हैं कितना डायमंड होगा इसके अंदर में। और एक मिनट भाई, इतनी धोखेबाजी, चैन लेगिंग्स, मतलब इनका क्या करूँगा। वेट, हार्ट ऑफ द सी भाई, एक मिनट, ये क्या चीज़ है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैं पानी के अंदर में कुछ वही राजा वाजा बन गया हूँ क्या। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये मैं कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ पूरे सी वगैरह को। सो गाइज यार देखो, इसके अंदर में मुझे कुछ भी बढ़िया नहीं मिला और पूरे चीज़ें लगाने के बाद भी मुझे कुछ ही पावर मिल पाई, यानी कि कुछ चेस्ट वगैरह की। सो यार आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और न्यू टॉपिक जल्दी से बताओ कि कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।